कलविचत नागराज ने रुद्राणी जी ते हमला किया ना तरत त्यार एकटक रुद्राणी जी ते हार दे उपर सी जिहड़ा रुद्राणी जी ने अपने गल दे विच पाया होया सी। सरूर नागराज उस हार नू हासिल करना चाह रहे सी। हो सकता है वो हार चमत्कारी होए। जिस भी इंसान ने उस हार नू चोरी करने की कोशिश की है उस इंसान नू उस हार बारे पता होएगा कि वह चमत्कारी ताही तो वह चोर उस हार नू पाउण दी फिराक च सी। पर नया नू चोर कौन सी जिन्हों पहला तो ही पता सी कि रुद्राणी जी का वह हार चमत्कारी है। तिवासी उस गल का एक मतलब होर निकलता कि रुद्राणी जी की जान नू खतरा हो सकता है। क्या खतरा है? नहीं 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 मैम रिलैक्स इतना की गल नहीं है। जे रुद्राणी जी या किसी दे भी कोई खतरा होएगा उदा रिश्ता तेनों पहला ही आ जाएगा ना। तू ज्यादा ना सोच सो जा। बाकी सब तो ठीक है पर चोर कौन हो सकता है? पंडित जी मैनु माफ कर दो अच मेरे करके थोनू सारे सामने शर्मिंदा होना पड़ा पर मैं की कर सकता सी। मैं अपने आप नू रोक नहीं सकया। मैं दृष्टि नाल इन्ना समा रहा कि जे उहदे ते कोई खतरा होवे मैं देख नहीं सकता। मैं जानदा कि दृष्टि कोई आम बच्ची नहीं है वो अपनी रखिया आप कर सकती है पर फिर भी इहदे च तेरी कोई गलती नहीं जीवन। तेरी जगह कोई होर बंदा भी होंदा उस निक्की जी जान नू बचाने लई यही कुछ करदा। मैनू तो इदां लगदा कि उस औरत दे कोलों वो हार लेना इन्ना सौखा काम नहीं है। हुण उस नैकलैस बारे सानू इक्को ही बंदा दस सकदा ते उह ने गुरु जी उही दसणगे कि इन्हां हालातां 'च सानू की करना चाहीदा है। तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो पंडित जी। मैं कल ही गुरु जी नाल गल करदा। सकदा वो चोर वो जरूर कोई ऐसा बंदा है जिन्हों इस हार की असलियत का पता है। इत्थे तां जीवन ही इदां दा है जिन्हों इस हार की ताकत का पता है पर वो ठीक तरह तुर नहीं सकता हार किवें चुरा सकदा है। किथे इदां तां नहीं कि जीवन ने इस हार बारे इशारियां च किसी नूं दस दिता होवे फिर उस आदमी ने हार चुराने की कोशिश की हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। की गल नींद नहीं आ रही? रुद्राणी अगर तू इस घर च अपने आप नूं अनसेफ फील कर रही है ना तो तू कोई होर काम लभ ले। ते नयन नूं मारन वाला काम छेती छेती निपटा ते इत्थों जा ते हुण सौ जा। मैनूं भी डिस्टर्ब ना करी। इस घर विच नैन वर्गी सुपर पावर वाली कुड़ी भी है ते रीटा वर्गी खतरनाक औरत भी। इत्थे मैनू होशियार होके रहना पड़ेगा।
नकुल सैंडविच फड़ाई। नकुल सैंडविच फड़ा की हर वेले फोन च बड़ा रहना है। आलो ये तो है ना ठीक है हाँ रोला पैसे आगे किता तू निक्की जी गल तो ना समझ नहीं आंदी ले जाओ तो पानी को की गल तेरी अखा क्यों भरिया हुई है सब ठीक है ना मेनू मां ना बनन की कमी हर वेले महसूस होंगी है सदीप जी ये गल मेनू अंदरों अंदर खा रही है जे साड़ी धी होंगी तो जब भी मैं अनिका वेख दी मैं इस गल का एहसास होता है कि मेरी गोद सुनी है नीलम एक औरत पर यही सच है कि हुन तू कदे मां नहीं बन सकती तेन बार बार कहता चंगा नहीं लगता नहीं देख तेरे मन का जो हाल है वो मैं चंगी तरह समझ सकता पर असी चाहे भी सच नू नहीं बदल सकते नीलम पर तू ये बिल्कुल ना सोचे कि यह सब होने के बावजूद भी मेरा तेरे लिए प्यार या कंसर्न घट हो जाएगा बिल्कुल नहीं नीलम मैं तेरे नाल हमेशा इन्ना ही प्यार करूंगा नीलम नहीं उसने मेरा दर्द नहीं समझ सकते सदेव जी जब तक एक औरत मां नहीं ना बन सकती उदों तक उन्हें अपने आप नु ही पूरा होने का एहसास नहीं होता माता नैना देवी जी तुसी किसी तरीके कोई चमत्कार कर दो नीलम नू फिर तो मां बना दो माता रानी नीलम दी लाइफ च ओदी एक विश पूरी कर दो इन्हां दोवां दी लाइफ च खुशियां वापस आ जाणगियां काजल शिव की गल है क्यों रोई जा रहे हो इन्ना ज्यादा करो शिव की होया बेटा क्यों रो रहे हो हाँ देखो टॉय देख रहे हो चुप कर जो ना क्यों इतना ज्यादा रो रहे हो किति जी की गल हुई शिवराज ने रो क्यों रहा है नयन इतना रात दा सो ही नहीं पा रहा ते थोड़ा सवेरे भी थोड़ी देर सुता ते उठ गया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਆਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸ਼ਿਵੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ। अच्छा बच्चे चलो अपा बाहर चलिए। रुद्रानी जी भी कमाल ने, खुद दी शिवू नू चुप कराने की कोशिश कर रही है, चुप ही नहीं कर रहा सी। ते हुण देखो उन्हां दी गोदी च जांदे एक मिनट च चुप कर गया। कीती जी इहनू तजर्बा कहिंदे। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਮਰ ਸ਼ਿਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ 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 ਸ਼ਿਬੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਬੂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਹੈਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਬੂ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਓਏ 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 ਸ਼ਿਬੂ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਆਏ? ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਦਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੈ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਆਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ? ਰੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਰੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ?
गुरु जी दरअसल मैनु त्रिश आया सी जिहदे विच मैं वेख्या कि रुद्राणी जी दी जान नू खतरा है। फिर मैं ते देवांश जी इन्हां दी मदद करन लई गए। तां गुरु जी सानू पता लग्या कि इह काम दी तलाश च ने, इस लई सी साढ़े तिना बच्चे दृष्टि अनिका शिवराज की देखभाल लिए इन्हां नू कर लाए। नाले गुरु जी इन्हां दी इन्हां दी फैमिली च कोई नहीं है, इस लई हुण इत्थे ही रहिंदे ने साढ़े नाल। बहुत वड्डा दिल है तुहाडा, परमात्मा तुहानूं होर बरकतां देवे। गुरु जी तुसीं अचानक इत्थे किदां? हाँ मैं लागे आया सी ते सोचिया कि मिलदा चलां। चंगा ही कीता गुरु जी तुसीं आ गए, मैं तुहाडे नाल एक जरूरी गल करनी सी। की गल है तिमाश? गुरु जी दरअसल कल राती ना घर च एक चोर वाड़ा आया सी ते उन्ने घर का सारा समान छड़ के रुद्राणी जी दे गल च पाया एंड नेकलैस चोरी करने की कोशिश की। सो कल रात तो मैं यही सोच सोच के परेशान से कि उन्हें इदा क्यों किया। इस हाथ च आखिर ऐसा की है कि उन्हें सिर्फ इन्नू ही चोरी करने की कोशिश की। किथे इस हार दा सच गुरु जी सब नूं दस देन। दिवांश दा सवाल एकदम जायज है, ये गल मेरे दिमाग च क्यों नहीं आई? किते रुद्राणी नूं घर लिया के मैं कोई गलती तो नहीं कर दिती? उन्हें दिवांश नूं की दसां कि चोर कोई होर नहीं बल्कि जीवन ही सी ते गोपाल दास ने कहते ही अज मैं रुद्राणी नूं इत्थे देखण आया कि वह है कि रुद्राणी अपना हार दिखाना मैं। जीवन ठीक ही कह रहा सी, ये सच्ची नागमनी है, ये कोई आम हार नहीं है। ते ये औरत भी कोई आम औरत नहीं है। इस हार का संबंध रुद्राणी नाम की जाति नाल है जिन्हों सप्पां की रानी भी कहा जाता है। ते इस हार च कई सदियां पुरानी नागमनी है। गल रुद्राणी जी ने सानू क्यों नहीं दसी?
गुरु जी, इस नागमणि च कोई खास ताकत है? हाँ नैन, जिस तरह कि असीं जानते हैं कि बच्चों के हाथ दियां रेखां पढ़नियां बहुत मुश्किल है। अगर असीं इस मणि नूं उस बच्चे के हाथ से रखांगे तो उसका भविष्य सानू साफ नजर आने लग पेगा। जे गुरु जी ने रुद्राणी का भांडा फोड़ दिता तो नैन ने हुणे इसे वेले इनू घरों बाहर कढ देना, तो मेरा प्लैन भी फिर फेल हो जाना।